ये भी ना किनारे की जगह है इस किले में, और यहाँ से ना पूरा का पूरा समुद्र दिख रहा है। यहाँ पीछे आप देखिए, यहाँ से गिरने में भी बहुत डर लगता है, ये कितना नीचा है यहाँ से। तो मेरे ख्याल से अब ज़्यादा यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए, पीछे मुड़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दीव। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ दीव में, और ये आप यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं, अंधारवाड़ी लिखा है। तो उस एरिया से अभी बस का वेट कर रहा हूँ, और यहाँ से निकलता हूँ दीव की ओर। हूँ फिलहाल मैं दीव में ही, पर यहाँ मेरा कज़िन रहता है, तो उसके घर मैंने नाइट स्पेंड की है। तो अभी मॉर्निंग हो गई है, तो रेडी होके चकाचक होके यहाँ से निकल रहे हैं। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पर दीव का जो फोर्ट है, दीव फोर्ट, देख सकते हैं आप यहाँ पर, वो पीछे है यहाँ पे। चलिए अब जाते हैं उसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है यहाँ का दीव का फोर्ट, जो बहुत ही फेमस है। कई लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। चलिए तो जाते हैं अंदर की ओर और देखते हैं। तो ये जो आप यहाँ पर पीछे देख रहे हैं, ये कि इसका एंट्री गेट, ये है इसका एंट्री गेट। यहाँ से हमको एंट्री लेनी है दीव के फोर्ट के अंदर। एक ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसी अच्छी जगह है तो यहाँ पर ना कचरा नहीं डालना चाहिए। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ पीछे की ओर पानी की बोतलें वगैरह, प्लास्टिक गिरा हुआ है। इतनी अच्छी जगह है तो इसका आप क्या कहते हैं कि कचरा यहाँ वहाँ मत डालो। यहाँ ना सबको देख देख के मुझे भी मन हो रहा है कि मैं भी अपनी फ़ोटोज़ लूँ, तो नहीं कर सकता ना यार अकेले, कैसे लोग, अगर कोई साथ में है तो वो मेरी फ़ोटो क्लिक करेगा। तो बस यहाँ का जो वीडियो लेना था वो लिए, अब चलते हैं वहाँ पे ऊपर की ओर। तो यहाँ पर एक पूरा मैप है यहाँ पर इस फोर्ट का, यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं।
ना यहाँ का ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ कोई है भी नहीं मेरे सिवाय, और बहुत ही अच्छी ठंडी पवन आ रही है। अगर आप यहाँ बैठ जाएंगे तो बैठे ही रहेंगे, इतना अच्छा देखने लायक नज़ारा भी है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर इधर बैठते हैं और बाद में निकलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे देखो, पहले हम वहाँ पे गए थे और वहाँ से आने के बाद हमने जगह देखी थी ऊपर की ओर, वो ये रही। चलो वहाँ जाके देखते हैं। बच गया। यहाँ पे जाके देखना है कैसा है। ओह, यहाँ से ना बीच का पूरा नज़ारा दिखता है, आप देख सकते हैं पीछे समुंदर है। लास्ट वाली दीवार है इस फोर्ट की। तो अभी ना मेरे स्मार्टफोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी है, सिर्फ 10% ही है, तो मुझे ना ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा है ना, कैमरा हमारे फ़ोन की बैटरी का ज़्यादा यूज़ करता है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से शुरू कर देंगे शूटिंग।